धनतेरस जो कि इस साल 23 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ा है। धनतेरस के दिन नई चीजों का खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन विशेष रूप से पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। कहा जाता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें लाभ होता है और साथ ही धन संपदा में भी वृद्धि होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना आपके फायदे के जगह बहुत भारी नुकसान कर बैठेंगे और साथ ही माता लक्ष्मी भी रुठ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जिसे हमें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। एक, स्टील से बनी चीजें। ज्यादातर घरों में धनतेरस के दिन लोग स्टील के बर्तन खरीदना पसंद करते हैं, जबकि इस दिन स्टील से बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टील धातु राहु की कारक है जो घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन प्राकृतिक धातुएं ही शुभ होती हैं, जबकि स्टील मानव निर्मित धातु है। दो, एल्यूमिनियम का सामान। हम में से बहुत से लोग एल्यूमिनियम से बने बर्तन या सामान खरीद लेते हैं, जबकि इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है और साथ ही एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। इसलिए किसी भी त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचें। तीन, लोहे की वस्तुएं। हमारे ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस के दिन भूल से भी खरीदने की गलती करने से बचें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। चार, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर न लेकर आएं। पांच, चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस पर सेरामिक यानी कि चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि खरीदना से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में स्थायित्व नहीं रहता है, जिससे घर में बरकत की कमी रहती है, इसलिए सेरामिक से बनी चीजें बिल्कुल न खरीदे। छह, कांच के बर्तन। धनतेरस पर कुछ लोग कांच से बनी बर्तने या दूसरी चीजें खरीदते हैं, जबकि कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए और साथ ही इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। सात, नुकीली या धारदार चीजें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। आठ, काले रंग की चीजें। काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, जबकि धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।